Hello friends, welcome to LearningSTAN, learn to know and know to learn. Friends, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3, जिसमें क्वेश्चन का पैटर्न TCS के पैटर्न के बिल्कुल सिमिलर होगा. तो इस सेट में दिए हुए सभी 20 क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करिए और मेरे द्वारा बताए हुए आंसर से मैच कराइए. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कहता है कि 200 बाई 2000 वोल्ट सिंगल फेज 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर हैज प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम एंड 20 ओम रेस्पेक्टिवली. फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर रेफर्ड टू द प्राइमरी साइड. और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है. ऑप्शन ए में कहता है 20 ओम, ऑप्शन बी में कहता है 10 ओम, ऑप्शन सी में कहता है 5.2 ओम और ऑप्शन डी में कहता है 12.4 ओम. तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर रेफर टू प्राइमरी साइड, यानी कि आर इक्विवेलेंट 1 विल बी इक्वल टू आर 1 प्लस आर 2 डैश. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आएगा 5.2 ओम, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2. ये कहता है द डैम्पिंग टॉर्क इन अ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है. ऑप्शन ए में गिवन है एडी करंट, ऑप्शन बी में गिवन है फ्लूइड फ्रिक्शन, ऑप्शन सी में गिवन है ग्रेविटी कंट्रोल और ऑप्शन डी में गिवन है एयर फ्रिक्शन. तो इसका करेक्ट आंसर होगा एडी करंट, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3. यह कहता है फ्यूज वायर इज कनेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग. और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए में गिवन है फ्यूज वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद न्यूट्रल वायर. ऑप्शन बी में कहता है फ्यूज वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद फेज वायर. ऑप्शन सी में कहता है फ्यूज वायर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद न्यूट्रल वायर. ऑप्शन डी में गिवन है फ्यूज वायर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद फेज वायर. तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्यूज वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद फेज वायर, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4. यह कहता है वोल्टेज रेगुलेशन ड्यू टू फेरेंटी इफेक्ट मे बी विच ऑफ द फॉलोइंग. और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है. ऑप्शन ए में कहता है 0, ऑप्शन बी में कहता है पॉजिटिव, ऑप्शन सी में गिवन है नेगेटिव और ऑप्शन डी में गिवन है नन ऑफ दीज. तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है फेरेंटी इफेक्ट की वजह से वोल्टेज रेगुलेशन कैसा होगा. तो इसका करेक्ट आंसर होगा वोल्टेज रेगुलेशन ड्यू टू फेरेंटी इफेक्ट मे बी नेगेटिव, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5. यह कहता है अ सीरीज आरएलसी सर्किट हैज अ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ 175 किलोहर्ट्ज एंड क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू 50. फाइंड द बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट. और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए में गिवन है 50 हर्ट्ज, ऑप्शन बी में गिवन है 350 हर्ट्ज, ऑप्शन सी में गिवन है 35 किलो हर्ट्ज, ऑप्शन डी में गिवन है 3.5 किलो हर्ट्ज. तो इस क्वेश्चन में हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ नॉट की वैल्यू गिवन है 175 किलो हर्ट्ज और क्वालिटी फैक्टर क्यू की वैल्यू गिवन है 50. तो हमें बैंडविड्थ डेल एफ की वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए. इसका आंसर होने वाला है 3.5 किलोहर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6. यह कहता है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ आर. और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है. इन सभी ऑप्शन में हमें एच की वैल्यू गिवन है, तो इसलिए हमें मैग्नेटिक फील्ड एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. तो यहाँ देख लीजिए, दिस इज एन इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, बोथ हैंड्स गो अप टू इनफाइनाइट. इस करंट कैरिंग कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो है आई, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे किसी पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करना है एच की वैल्यू. तो हमें इस पॉइंट Q पे फाइंड आउट करना है H की वैल्यू. तो यहाँ पर H की वैल्यू होने वाली है करंट I अपॉन 2 पाई R एम्पियर पर मीटर. यदि आपसे B की वैल्यू पूछता तो B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई बाय आर होता. ओके, तो अब आप ऑप्शंस को देख लीजिए.
ऑप्शन ए में गिवन है h इज इक्वल टू आई अपॉन 2 पाई आर, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 7 यह कहता है द प्लॉट ऑफ आर्मेचर टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट ऑफ अ डीसी सीरीज मोटर इज व्हाट. और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है. ऑप्शन ए में कहता है पैराबोला अप टू सैचुरेशन एंड स्ट्रेट लाइन आफ्टरवर्ड्स, यानी कि सैचुरेशन तक पैराबोला रहेगा और उसके बाद स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा. ऑप्शन बी में गिवन है पैराबोला थ्रू आउट, यानी कि हमेशा पैराबोला ही रहेगा. ऑप्शन सी में गिवन है स्ट्रेट लाइन थ्रू आउट विथ पॉजिटिव स्लोप, और ऑप्शन डी में गिवन है स्ट्रेट लाइन थ्रू आउट विथ नेगेटिव स्लोप. तो इसका आंसर होगा पैराबोला अप टू सैचुरेशन एंड स्ट्रेट लाइन आफ्टरवर्ड्स, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 8 यह कहता है इन अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर ईएमएफ एट स्टैंड स्टिल इज इक्वल टू व्हाट. यहां पर गिवन है एस इज इक्वल टू स्लिप एंड स्मॉल एफ इज इक्वल टू स्टेटर सप्लाई फ्रीक्वेंसी. तो हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है. ऑप्शन ए में कहता है एस एफ, ऑप्शन बी में गिवन है एफ, ऑप्शन सी में कहता है 2F, ऑप्शन डी में गिवन है 1-S टाइम्स ऑफ F. तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है F, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 9 यह कहता है इन CRT यानी कि कैथोड रेज ट्यूब सेकेंडरी एमिशन इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. ऑप्शन ए में गिवन है फोकसिंग एनोड, ऑप्शन बी में गिवन है ग्रिड, ऑप्शन सी में गिवन है कैथोड, ऑप्शन डी में गिवन है एक्वाडेग. तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक्वाडेग, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ओके, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 10 यह कहता है फॉर ए लोड सप्लाइड थ्रू एन एसी वोल्टेज वेयर कॉम्प्लेक्स पावर एस इज इक्वल टू 250 वोल्ट एम्पीयर एंड रिएक्टिव पावर क्यू इज इक्वल टू 125 वाट्स, देन वी हैव टू कैलकुलेट एक्टिव पावर पी. और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है. ऑप्शन ए में गिवन है 216.5 वाट, ऑप्शन बी में गिवन है 21.65 वाट, ऑप्शन सी में गिवन है 2.165 किलो वाट, ऑप्शन डी में गिवन है 125 वाट. तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इसका आंसर होने वाला है 216.5 वाट, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 11 यह कहता है टू बल्ब्स ऑफ 500 वाट एंड 200 वाट रेटेड एट 250 वोल्ट विल हैव रेजिस्टेंस रेशियो एज विच ऑफ द फॉलोइंग. और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है. ऑप्शन ए में गिवन है 4:25, ऑप्शन बी में गिवन है 5:2, ऑप्शन सी में गिवन है 2:5, ऑप्शन डी में गिवन है 25:4. तो हमें इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि 500 वाट और 200 वाट के दो बल्ब जिसकी वोल्टेज रेटिंग 250 वोल्ट है उसके रेसिस्टेंस का रेशियो क्या होगा. तो आप इसको सॉल्व करिए, इसका आंसर होने वाला है 2:5, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 12 यह कहता है कि इन डीसी जनरेटर ऑन नो लोड द एयर गैप फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस इज व्हाट. और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए में गिवन है साइनोसॉइडल, ऑप्शन बी में गिवन है पल्सेटिंग, ऑप्शन सी में गिवन है फ्लैट टॉप्ड, ऑप्शन डी में गिवन है ट्रायंगुलर. तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्लैट टॉप्ड, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 13 यह कहता है इन लैप वाइंडिंग द नंबर ऑफ ब्रशेस इज व्हाट. और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए में गिवन है ऑलवेज 2, ऑप्शन बी में गिवन है सेम एज नंबर ऑफ पोल्स, ऑप्शन सी में गिवन है हाफ द नंबर ऑफ पोल्स, ऑप्शन डी में गिवन है डबल द नंबर ऑफ पोल्स. तो हमें इस क्वेश्चन में डीसी मशीन में लैप वाइंडिंग के केस में ब्रशेस की संख्या बताना है. तो इसका आंसर होगा नंबर ऑफ ब्रशेस इज सेम एज नंबर ऑफ पोल्स, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 14 यह कहता है
द लॉ दैट एक्सप्लेन्स अबाउट द इकोनॉमिक साइज ऑफ अ कंडक्टर इज वॉट। और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए में गिवन है फैराडेज लॉ, ऑप्शन बी में गिवन है लैम्बर्ट लॉ, ऑप्शन सी में गिवन है न्यूटन्स लॉ, ऑप्शन डी में गिवन है कैल्विन्स लॉ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैल्विन्स लॉ, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। यह कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट्स प्रोवाइड्स आउटपुट एज जीरो व्हेन बोथ द इनपुट्स आर सेम, इधर जीरो और वन। और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए में गिवन है नॉर, ऑप्शन बी में गिवन है एक्स नॉर, ऑप्शन सी में गिवन है नैंड, ऑप्शन डी में गिवन है एक्स और। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इनमें से वो कौन सा लॉजिक गेट है जिसके दोनों इनपुट टर्मिनल पे यदि हम सेम सिग्नल प्रोवाइड करें तो हमें आउटपुट जीरो मिलेगा। यानी कि यदि हम इनपुट के रूप में जीरो जीरो प्रोवाइड करें तो हमें आउटपुट मिलना चाहिए जीरो, और यदि हम इनपुट के रूप में वन वन प्रोवाइड करें तो भी हमें आउटपुट मिलना चाहिए जीरो। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन सिर्फ एक ही लॉजिक गेट में बनेगा और वो है एक्सॉर, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। यह कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन ए में गिवन है कूलम, ऑप्शन बी में गिवन है वेबर, ऑप्शन सी में गिवन है टेस्ला और ऑप्शन डी में गिवन है कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो इनमें से कौन सा यूनिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कूलम, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ कंफ्यूज मत करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 17। यह कहता है कि एज पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल यानी कि आईई रूल्स के अकॉर्डिंग इन ओवरहेड सिस्टम रिकमेंडेड स्पैन इन केस ऑफ वुडन पोल्स इज व्हाट। और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए में गिवन है 80 to 100 मीटर, ऑप्शन बी में गिवन है 60 to 80 मीटर, ऑप्शन सी में गिवन है 40 to 50 मीटर, ऑप्शन डी में गिवन है 100 to 200 मीटर। तो हमें वुडन पोल्स के केस में कंडक्टर का स्पैन लेंथ के बारे में बताना है। यदि हम इसमें मैक्सिमम स्पैन लेंथ की बात करें तो मैक्सिमम स्पैन लेंथ हो सकता है अप टू 60 मीटर। 60 मीटर से ज़्यादा स्पैन लेंथ यहाँ पर सूटेबल नहीं होता है, लेकिन एज पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल हमें रिकमेंड किया जाता है कि हम स्पैन लेंथ को 40 to 50 मीटर के रेंज में ही रखें, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। यह कहता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेसिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर इज व्हाट। और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए में गिवन है डजंट चेंज, ऑप्शन बी में गिवन है इंक्रीजेस, ऑप्शन सी में गिवन है डिक्रीजेस, ऑप्शन डी में गिवन है वी कांट से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिक्रीजेस, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। यह कहता है अज्यूम दैट द ऑपरेशनल एम्पलीफायर शोन इन द फिगर इज आइडियल, फाइंड द करंट आई थ्रू द 1 kilo ohm रेसिस्टर। तो इस फिगर को देखिए, करंट आई को यहाँ पर मार्क किया हुआ है, यानी कि इस 1 kilo ohm रेसिस्टर के थ्रू कितना करंट फ्लो करेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन ए में गिवन है -4 milliampere, ऑप्शन बी में गिवन है -2 milliampere, ऑप्शन सी में गिवन है 0 milliampere और ऑप्शन डी में गिवन है 4 milliampere। तो मैं आपको हिंट दे देता हूं कि इस करंट को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक तो इस पॉइंट का वोल्टेज पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहां का वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे, यानी कि आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे वी नॉट। उसके बाद हम इस ब्रांच में फ्लो होने वाले करंट और इस ब्रांच में फ्लो होने वाले करंट को फाइंड आउट करेंगे। जब हमें ये दोनों करंट मिल जाएंगे उसके बाद हम इस नोड पर KCL अप्लाई करके इस करंट आई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स आपको ये फॉलो करना है कि ये आइडियल ऑप एम्प है, तो इसलिए यहाँ का करंट और यहाँ का करंट जीरो होगा, जिसकी वजह से जो भी करंट इस ब्रांच में फ्लो कर रहा होगा वो सारा का सारा करंट इस पाथ से होके फ्लो कर जाएगा, यानी कि इस नोड पर किसी भी करंट का डिविजन
नहीं होने वाला है क्योंकि इस ऑपएम में कोई भी करंट नहीं जाएगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि इसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंडेड है, यानी कि यहाँ का वोल्टेज है 0 वोल्ट, तो इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल यानी कि यहाँ का वोल्टेज भी होगा 0 वोल्ट। इसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको आंसर आएगा -4 मिली एम्पियर, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट। यह कहता है कि 3 कैपेसिटेंस हैव रिएक्टेंस ऑफ 6 ओम ईच इफ कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट ऑपरेटिंग एट 50 हर्ज एसी सप्लाई। यानी कि एक सर्किट है जो कि 50 हर्ज एसी सप्लाई पे ऑपरेट कर रहा है। यदि उस सर्किट में 3 कैपेसिटेंस जिसका रिएक्टेंस 6 ओम ईच है, इन तीनों कैपेसिटेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दें, तो आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, और हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन ए में गिवन है 18 फैराड, ऑप्शन बी में गिवन है 2 फैराड, ऑप्शन सी में गिवन है 1.591 मिली फैराड, ऑप्शन डी में गिवन है 0.177 मिली फैराड। तो आप इसको सॉल्व करिए, आपको आंसर आएगा 0.177 मिली फैराड, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आप अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज करिए कि आपने इस 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही किए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।